नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं आकाश इंस्टीट्यूट वाराणसी के निदेशक विष्णु देव तिवारी। आए जानते हैं लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में आप अपने बच्चों को कैसे शिक्षित करना है। आकाश इंस्टीट्यूट पूरे देश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारियों के लिए जाना जाता है। लॉकडाउन के बाद हम लोगों को बच्चों को जोड़ने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए और उनकी क्लासेस भी सुचारू रूप से चले उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन लाइव क्लासेस की व्यवस्था की है, जिसमें टीचर्स बच्चों को लाइव सेशन के रूप में रेगुलर बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, उनके डाउट क्लियर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी चीज़ें उनको कम समझ में आती हैं तो हमारे पास आई ट्यूटर लॉगिन करके, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, बच्चे उसको भी देखते हैं। ई बुक्स के रूप में हमारी किताबें भी अवेलेबल होती हैं और बच्चे उस पर आई ट्यूटर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं। यानी हम तीनों काम कर रहे हैं, उनको लाइव पढ़ाया जा रहा है, डाउट जो उनकी शंकाएँ समाधान होती हैं वो भी करते हैं, और साथ ही साथ उनके टेस्ट और ऑनलाइन सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से हम पिछले एक महीने से कर रहे हैं। बहुत आसानी से बच्चे इसका बेनिफिट ले रहे हैं, अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बनारस में अन्य जो कोचिंग संस्थान हैं वो भी ऑनलाइन क्लास की बात कर रही हैं और आकाश इंस्टीट्यूट भी ऑनलाइन क्लास की बात कर रहा है। हम जानना चाहेंगे कि क्या सुविधाएं उन बच्चों को वहां उन कोचिंग संस्थानों में नहीं मिलेगी जो आकाश में मिलेगी। देखिए, आकाश बहुत पहले से ऑनलाइन में एक्सपर्ट है, क्योंकि हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो पहले से डिस्टेंस लर्निंग के फॉर्म में, हमारा सॉफ्ट कॉपी में किताबें कंप्लीट प्लस टेस्ट पैटर्न और रिकॉर्डेड लेक्चर, ये पिछले 6-7 सालों से लगातार दिया जा रहा है। तो हम इन चीज़ों को बहुत पहले से कर रहे हैं, हमें बस इनको थोड़ा सा शिफ्ट करना था। तो हमारे लिए ये चीज़ें पहले से बनी हुई हैं। अब कोई अगर नई शुरुआत करता है तो उसको अभी इन चीज़ों को करने में वक्त लगेगा, पूरा स्टडी मटेरियल रिकॉर्ड करने में, या हम उनको सॉफ्ट फॉर्म में ई बुक्स के रूप में करें, ये रातों रात नहीं हो सकता है। इनमें 2-3 साल भर के वक्त लगते हैं, हमें भी लगभग 6-7 वर्ष लगे थे। इस वजह से अब इसमें जो विनर होता है, जो लीडर होता है, वो तो लीडर होता है। अगर कोई कॉपी कर रहा है तो कुछ हद तक ही हो पाता है, कंप्लीट कुछ नहीं हो पाता। हाँ, हर कोई व्यक्ति अपने अपने लेवल पे अच्छी कोशिश कर रहा है, मेरे सभी को शुभकामनाएं हैं। लेकिन हम लोग इसमें, पूरा देश इस समय आशा भरी नजरों से आकाश को देख रहा है और हम प्राउड फील कर रहे हैं, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड कि हम लोग इसको बहुत सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। जहां तक मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की बात की जाए, आकाश प्रतिवर्ष टॉप पे रहता है। हम आपकी उपलब्धियों के बारे में जानना चाहेंगे, इस वर्ष आपकी क्या तैयारी है? देखिए, 2017 में पहली बार बनारस से उत्तर प्रदेश की पहली रैंक, यूपी की फर्स्ट रैंक आर्यन राज सिंह के रूप में आई थी, ये बनारस के लिए कीर्तिमान था। 2019 में हमने इसी सफलता को दोहराते हुए अक्षत कौशिक के रूप में पूरे देश में तीसरी रैंक नीट और एम्स में और फिर से यूपी की फर्स्ट रैंक ली। तो ये पिछले 2-3 वर्षों से हमारा एक परफॉर्मेंस थी, ये हमारा अतीत था जो हमारे रिजल्ट्स के रूप में दिखता है। इस बार 2020 में हमारे यहाँ के 3-4 बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी जुलाई के आसपास में जब भी नीट होगा, 1 महीने बाद जब उसका रिजल्ट आएगा, मैं 2-3 नाम शेयर कर सकता हूँ। अनस नसीम, जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज होती है देश भर की, लगभग उसमें टॉप 5 में आता है। तो हम इससे उम्मीद कर सकते हैं कि ये यूपी की फर्स्ट या सेकेंड रैंक जो भी है, लेकिन ये परफॉर्म करेगा। ऐसे ही एक और बच्चे का नाम है अवि कुमार। तो अनस नसीम और अवि कुमार, इन दो बच्चों की उम्मीद है कि ये टॉप 10 में एटलीस्ट पूरे देश में और यूपी में फर्स्ट सेकेंड ये जरूर लाएंगे। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, इनकी परफॉर्मेंस और सारे रिजल्ट देखते हुए हम इसे आशा कर सकते हैं। अंतिम सवाल है, इस वर्ष जो एडमिशन की बात की जाए तो आकाश इंस्टीट्यूट ने बनारस में कुल कितना एडमिशन लिया है? देखिए, नंबर्स तो बताना बहुत ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रतिशत की बात कर लीजिए। हम प्रतिशत की बात करें तो लगभग हमने 40% तक एडमिशन लिए हैं
और बिजनेस हमारा क्योंकि ऑनलाइन हम बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं, हम पहले से भी अच्छे परफॉर्मर हैं। तो अब एक चीज़ है कि जो बच्चे बाहर जाते भी थे, कोटा जाना चाहते थे या दिल्ली जाना चाहते थे, वो अपने शहर में रह के हमसे उम्मीद रख रहे हैं और हम उनको बेहतरीन सुविधाएं दे रहे हैं, तो ये हम अच्छे से कर पा रहे हैं। इस वजह से हमारे यहाँ जो एडमिशन है वो पहले से और अच्छे हो रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि आगे भी अच्छे होंगे। आपकी जितनी फैकल्टी है वो किस ढंग से बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रही है? लॉकडाउन में अपने घरों पे रहकर भी सिस्टम की वजह से सपोर्ट और इंटरनेट को यूज करते हुए वो लाइव क्लासेस ले रहे हैं, स्क्रीन शेयर करके पढ़ा रहे हैं, जिनके पास बोर्ड है वो बोर्ड पे डाउट डिस्कशन कर रहे हैं, जितना भी बेस्ट वो कर सकते हैं घर पे रह के, वो बखूबी इन सिस्टम में अपनी देशभक्ति, अपने समय को सदुपयोग करते हुए पूरा का पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।